दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे जितने भी आराध्य देव हैं उनके तस्वीर को उसकी छवि को बिगाड़ने का काम हो रहा है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं भगवान राम का जो सौम्य चेहरा है, हनुमान जी का सौम्य चेहरा है, भक्ति से सर्वो उनका चेहरा दिखाई देता है और इस प्रकार की तस्वीर हमारे पुरखों ने बनाई थी जो ज्ञान के भक्ति के शक्ति के प्रतीक रूप में हनुमान को हम जानते हैं। बालकाल से हम लोग उसी प्रकार से परिचय कराया गया था, लेकिन आज कल देख रहे हैं कि भगवान राम का हो उसे युद्धक राम के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसी प्रकार से हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा और आज उसे एंग्री बर्ड के रूप में दिखाई दिया जा रहा है। बहुत क्रोधित है, आंखें लाल है, बाल बिखरे हुए हैं। इस प्रकार के हनुमान की कल्पना न हमारे पूर्वजों ने की थी, न आज समाज उसको स्वीकार करता है। अभी तत्काल में एक पिक्चर आई है जिसमें आदिपुरुष, अब उसमें तो उस समय जो संवाद है उसकी भाषा है वो सब मर्यादित है। रामायण को हम लोग तुलसीदास जो रामायण है उसमें भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है और किसी के द्वारा इस प्रकार से जो उसमें शब्दों का जो चयन है वो सभी मर्यादित है। लेकिन आज जो आदि पुरुष में हनुमान जी के जो डायलॉग है, अन्य पात्रों के जो डायलॉग हैं, उनके द्वारा बोले गए शब्द हैं वो निम्न स्तर के हैं, जली ना और जलेगी, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और भी बहुत सारे डायलॉग हैं जिसके बारे में बहुत ही आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री निवास में बस्तर संभाग के उन परिवार के सदस्यों को मैंने आमंत्रित किया जिनके घरों में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मैंने भोजन प्राप्त किया था। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मुख्यमंत्री निवास पहली बार आए हैं, उनको बड़ी प्रसन्नता है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि मैंने जिनके घर भोजन कराया उन्हें मुख्यमंत्री निवास में आज मैंने आमंत्रित किया, उन परिवार के सदस्यों से मेरी मुलाकात हुई। इस कार्यक्रम में मैंने उस क्षेत्र के विधायक को, वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और पंचायत के सरपंच, उनको भी मैंने आमंत्रित किया था। आज वहाँ के जिनके घर में भोजन किया था उनके साथ विधायक भी बैठ के भोजन किए और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि विधायक के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री निवास में। तो निश्चित रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन सभी परिवार के साथ आज मुझे समय बिताने का मौका मिला। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में कथित जो कोयला घोटाले की जांच की गई है, संपूर्ण कार्रवाई का आधार बेंगलोर में पुलिस द्वारा जो आईपीसी की धारा 120 बी और 384 के अंतर्गत दर्ज किए गए जो प्रकरण है और तत्कालीन भाजपा सरकार के दबाव में ये उक्त प्रकरण को दर्ज किया गया था और अवैधानिक कार्रवाई उस आधार पर करनी पड़ी थी। आज जांच उपरांत निष्पक्ष जांच हुई और विस्तृत जांच उपरांत यह पाया कि आईपीसी की धारा 120 बी एवं 384 दर्ज करने की बंगलुरु पुलिस को की अधिकारिता नहीं, अतः बंगलुरु पुलिस ने उक्त दोनों धाराओं को ड्राफ्ट कर दिया और उसमें न्यायालय के समक्ष 13 जून को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। ईडी के द्वारा राज्य में कोयला घोटाले के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई थी उसका मूल आधार मेडिकेट ऑफेंस बेंगलुरु पुलिस द्वारा दर्ज किया गया प्रकरण था, अतः ईडी द्वारा की गई
समस्त कार्रवाई समाप्त करना बंधनकारी हो चुका है। राज्य सरकार को वैधानिक हथकंडे अपनाकर बदनाम करने की भाजपा की साजिश बेनकाब हो चुकी है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ नहीं पा रही है और इस कारण से वो ईडी का आईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं और राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज ये सही साबित हुआ, जो बेंगलोर पुलिस ने कर्नाटक पुलिस ने जो चालान प्रस्तुत किया है और उसमें पूरे जांच करने के बाद 120 बी और 384 को उन्होंने अवैधानिक पाया, पुलिस को इस प्रकार से कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इस प्रकार से कार्रवाई की गई और आज जब चालान प्रस्तुत हो चुका है, कल के 13 जून की तारीख में प्रस्तुत हो चुका है, ऐसे में ईडी द्वारा जो किया गया कार्य है वो सारे कार्य है वो निष्फल माने जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। कुल मिला के बात तो यही है कि ये लोग तो अपने उपलब्धियों पे कभी वोट मांग नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई काम किए नहीं जिसके आधार पर जनता इन्हें वोट दे, तो ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की हमेशा कोशिश ये लोग लगे रहते हैं। अभी लगातार मंत्री लोग भी आ रहे हैं, इसके पहले मंत्री लोग नहीं आए, जब कोरोना हुआ तब मंत्रियों का दौरा नहीं हुआ, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, इस मामले में सब मौन थे। अब चुनाव आ गया है तो सारे लोग बस्तर में 4 दिन कोई रहे, कोई कोरबा में 3 दिन रह रहे हैं, अभी लगातार आएंगे, कोई बेमेतरा, कोई दूर, कोई मनेनगढ़ दौरा कर रहे हैं, करने दीजिए। लेकिन जब संकट में थे छत्तीसगढ़ के लोग तब उनको याद नहीं आई। देखिए ये तो अब ये है कि चालान प्रस्तुत हुआ कर्नाटक के कोर्ट में, तो अब वो चालान के आधार पर ही आगे बहस होगी और बहस के बाद हमें पूरा न्यायालय पे विश्वास है और न्यायालय जो फैसला देगी सबको मान्य होगा। लेकिन जो बदले की भावना से कर्नाटक की पुलिस कार्रवाई कर रही थी भाजपा सरकार के दबाव में, वो निष्पक्ष जाँच करने विस्तृत जाँच करने के बाद इन दोनों धाराओं को हटा दिया। इसके बारे में क्यों माने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब दूसरे फिल्में थी, चाहे कश्मीर और केरल, इसमें जब पिक्चर बनी तो सारे बड़े नेता बयान देते, लेकिन ये जो पिक्चर बनी है और हमारे आराध्य देव के मुंह से इस प्रकार के शब्दों के वाचन कराए जा रहे हैं, इसमें मौन क्यों? सबको बोला जी, भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री बहुत बड़ी हस्ती है, निचले स्तर के लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देखिए ये चीज है कि जब अमित शाह जी मीडिया में आके सीधा बोले हैं कि देश है वो संविधान के अनुसार चलेगा, तो जो लोग मांग कर रहे हैं उनके पास जाकर बोलना चाहिए। 15 साल सरकार से आप क्या किए, अब विदेशी फंडिंग हो रहा है, भारत सरकार तो रोक लगाए बैठी, फिर कैसे आ रहा है? यदि विदेश से पैसा आ रहा है तो भारत सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, वो खुद अपने सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। यदि विदेशी फंडिंग हो रहा है, भारत सरकार के बिना सहमति के तो आ नहीं सकता यहाँ, यदि आ रहा है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो आरएसएस ने अपने केंद्र सरकार पे सवाल निशान लगाया। भाई छत्तीसगढ़ तो हमेशा भ्रमण में आते रहते हैं और कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वो तो यदि आते हैं हमको खुशी होगी, लेकिन बात यही है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उसके बारे में सीधी बातें, हम लोग तो संविधान के मानने वाले लोग हैं, तो और केंद्र गृह मंत्री का खुद मैंने बयान देखा है, देश है वो संविधान से चलेगा, उसके बाद तो और कोई बात रह नहीं जाता। यदि है तो फिर जाके गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए, इधर उधर बात करने को मतलब, चाहे धरना हो, चाहे डिलिस्टिंग का मामला हो, सब केंद्र से जुड़ा हो, ये सब मामले में यदि बात करना है तो केंद्र से बात करें, यहाँ बात करने से क्या लाभ, उसको वहाँ जाकर बात करना चाहिए दिल्ली में, ठीक है, जिसको भी करना है। चुनाव समय तो आते ही हैं, आएंगे चुनाव बाद से चले जाएंगे, ठीक है, 3-4 महीने आप लोग भी मनोरंजन करिए।